फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज कॉन्स्टिपेशन पर हम मुद्रा लेकर आए हैं कि जो भी लोग कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं उन्हें कौन सी मुद्रा लगानी चाहिए और कब लगानी चाहिए जो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो आपको भोजन के बाद वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने के लिए आप अपने दोनों घुटनों को इस प्रकार से मोड़ कर और पंजों पर आपको बैठना है। वज्रासन में बैठने के बाद अब आपको लगानी है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा की प्रैक्टिस दोनों हैंड से करनी है। इसमें आपको इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस पर रखना है और थंब से इंडेक्स फिंगर के मिडिल पार्ट को टच करना है। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। इस प्रकार आप वायु मुद्रा बनाकर बिल्कुल रिलैक्स होकर 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करें। भोजन के बाद वज्रासन में वायु मुद्रा लगाकर बैठे और अपना ध्यान ब्रीथिंग पर रखें, श्वास लेने और छोड़ने पर। आपको श्वास लंग्स में लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी है। इस प्रकार आपको वायु मुद्रा की प्रैक्टिस वज्रासन के साथ डेली बेसिस पे करना है तो आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत रिलीफ मिलेगा और जो लोग पाइस से भी परेशान हैं उन्हें भी कॉन्स्टिपेशन अवॉइड होगा होना। पर साथ ही आपको परहेज की भी ज़रूरत है। ऑयली स्पाइसी जंक फूड अवॉइड करें, पैकेट फूड अवॉइड करें, जितना हो सात्विक भोजन करें। तो चलिए आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।